स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो भाई, जब महिंद्रा टाटा अपनी नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं और मार्केट में धूम मचा रही हैं, तो हमारी मारुति कैसे पीछे रह सकती है। तो मारुति ने फाइनली हम सबकी फेवरेट सब कॉम्पैक्ट सेडान मारुति सुजुकी डिजायर को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। और हमारे पास रिसेंट स्पाई शॉट आ चुके हैं, जहाँ पे हमें पता चल चुका है इसके एक्सटीरियर कम्प्लीटली रिवील हो चुके हैं स्पाई शॉट में। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं आपको इस डिजायर फेसलिफ्ट में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ, अगर आप भी जानना चाहते हैं मारुति सुजुकी डिजायर के बारे में सारी डिटेल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी डिजायर फेसलिफ्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में हमें लॉन्च होते हुए दिखेगी। सबसे पहले बात करें फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो फ्रंट प्रोफाइल फाइनली भाई हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं कि स्विफ्ट और डिजायर का जो फ्रंट प्रोफाइल है ऑलमोस्ट हमें सिमिलर देखने को मिलती थी, और ये टाइम अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब हमें डिजायर में ऑल न्यू फ्रंट ग्रिल मिलने वाली है, जो कि स्विफ्ट से बिल्कुल ही अलग होने वाली है। तो फ्रंट ग्रिल में आपको 6 हॉरिजॉन्टल स्लैट्स मिल जाएंगी, जहां पे आपको ऑब्वियसली मारुति का लोगो मिलेगा अपर पोर्शन में। नीचे एयर डैम को फ्रंट ग्रिल के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। सही बताऊं तो इसका डिजाइन ऐसा लग रहा है कि एकदम लेक्सस से इंस्पायर्ड है। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हाँ, जो हेडलैम्प असेंबली है वो भी हमें ऑल न्यू मिलेगी, ऐसा नहीं है कि स्विफ्ट वाली ही बोरो कर दी गई है। तो ऑल न्यू हमें क्राउन ज्वेल टाइप की एलईडी जो हेडलैम्प्स है वो मिलने वाले हैं। फॉग लैम्प की हाउसिंग चेंज हो चुकी है, वो भी आपको अब एलईडी फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे। तो ये तो बात हुई फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो भाई, फ्रंट प्रोफाइल का अपील काफी ज्यादा बोल्ड एंड मस्कुलर लग रहा है। इसका जो फ्रंट बोनट डिजाइन हमने देखा था आज से पहले, जब डिजायर आती है ना, उसका जो बोनट है वो थोड़ा सा कर्व टाइप का मिलता है, लेकिन फाइनली अब ये चेंज होने वाला है। यहाँ पर आपको बॉक्सी और शार्प एजेस के साथ फ्रंट बोनट मिलने वाला है। तो ये तो बात हुई फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, और चलिए बात करते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले व्हील्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको डायमंड कट डुअल टोन फिनिशिंग में मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। तो ये टॉप एंड मॉडल रहने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल न्यू डिजाइन के साथ आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली 15 इंचेस के आसपास के हो सकते हैं। बाकी साइड प्रोफाइल में भाई ORBMs के नीचे आप 360 डिग्री कैमरा भी देख सकते हैं। तो फाइनली 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिल जाएगा डिजायर में, और भाई जिस चीज का हमें इंतजार था, सनरूफ, तो जी हाँ, फाइनली डिजायर में सनरूफ भी आपको मिल जाएगी। तो भाई मेरे पास भी डिजायर है, आप सभी को पता होगा, तो अब तो इसको देख के मेरा भी मन कर रहा है कि अपने डिजायर को निकाल के डिजायर फेसलिफ्ट खरीद ली जाए, क्योंकि भाई अब ऑल न्यू डिजाइन के साथ सनरूफ का ऑप्शन मिलने वाला है। हालांकि ये सनरूफ अभी भी सिंगल पेन सनरूफ ही मिलने वाली है, लेकिन भाई इस सेगमेंट में जितने भी इसकी राइवल्स हैं वहां पर अभी भी सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो भाई डिजायर में जो सनरूफ आ गई है, ये ऑब्वियसली मार्केट में एकदम तहलका मचाने वाली है। नेक्स्ट आप शार्क फिन एंटीना भी देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल का डिजाइन ऑलमोस्ट हमें सेम देखने को मिलने वाला है। और बात करें रियर प्रोफाइल के बारे में, तो रियर प्रोफाइल डिजाइन में आप देख सकते हैं थोड़े बहुत यहाँ पे भी कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। रियर बम्पर का डिजाइन चेंज हो चुका है, टेल लाइट असेंबली का डिजाइन चेंज हो चुका है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे वर्टस वगैरह में हमने टेल लाइट देखी है ना, ट्राई एरो शेप वाली, वही काइंड ऑफ हमें टेल लाइट देखने को मिलने वाली है डिजायर फेसलिफ्ट में। तो ये तो बात हुई एक्सटीरियर्स के बारे में। तो अभी जो ये दो स्पाई शॉट लीक हुए हैं, इसको देख के हमें ये तो पता चल चुका है कि डिजायर फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, ऑल न्यू डिजाइन आपको मिलने वाला है। लेकिन इंटीरियर्स के बारे में थोड़ा बहुत जो हमें आइडिया है वो बता देता हूँ, क्योंकि अभी एज सच कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है, ना तो कोई स्पाई शॉट हमें देखने को मिले हैं। लेकिन हाँ, इंटीरियर्स का जो थीम है वो अभी भी हमें बीच कलर का मिलने वाला है, क्योंकि अगर हम जूम करके देखेंगे तो रियर पैसेंजर कैबिन में जो सीट दिख रही है ना, वो अभी भी बीच कलर की हमें दिख रही है। तो हमें सिमिलर बीच कलर के इंटीरियर्स देखने को मिलेंगे। बात करें फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स यहाँ पर अब काफी सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। जो एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको हेड अप डिस्प्ले मिलने वाला है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो स्विफ्ट में हमने नया देखा था 9 इंच वाला, वही सेम इन्फोटेनमेंट सिस्टम हमें देखने को मिल सकता है। वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल सकती है। तो ये सारे कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं जो कि हमें डिजायर फेसलिफ्ट के इंटीरियर्स में देखने को मिल सकते हैं। एंड भाई फाइनली पावर ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आपको पता है मारुति ने स्विफ्ट में नया जेड सीरीज का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन निकाला था, अब क्या यही इंजन हमें डिजायर में देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो जब स्विफ्ट में इस इंजन को मारुति ने इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पर हमें एवरेज तो अच्छी खासी मिली थी, लेकिन 3 सिलेंडर यूनिट होने की वजह से लोग थोड़े से निराश हुए थे, क्योंकि उन्हें 4 सिलेंडर इंजन में थोड़ा ज्यादा उनको ट्रस्ट है कि वो ज्यादा रिफाइंड होगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या डिजायर में हमें ये सेम स्विफ्ट वाला 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा या फिर नहीं। बाकी यहाँ ट्रांसमिशन तो हमें पता ही, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएंगे। एंड भाई हो सकता है मारुति स्विफ्ट की तरह ही पहले इसका पेट्रोल इंजन ऑप्शन लॉन्च करे, एंड उसके कुछ 2-4 महीने बाद हमें डिजायर CNG ऑप्शन में भी मिल जाए। तो ये तो सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास अभी अवेलेबल थी वो मैंने आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर कर दी है। बाकी अगर आप डिजायर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो मेरी एक वेबसाइट आप सभी को पता है मैंने लॉन्च कर दी है, www.autoday.in। तो यहाँ पर आप मेरी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले मैं वेबसाइट पर अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद
वीडियो वगैरह बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में ऑब्वियसली टाइम लगता है, तो आर्टिकल पहले चले जाते हैं, तो इसका भी आर्टिकल ऑलरेडी लाइव है, वो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप डिजायर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको वीडियो बना के शेयर करता रहूंगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने में बिल्कुल ना शर्माएं, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।